हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण के नियम। तो इस हिंदी पेडागोजी में आपका टॉपिक 2 नंबर तक का क्लास हो चुका है दोस्तों, और ये 2 नंबर टॉपिक का लास्ट पार्ट है। तो टॉपिक 2 में हम लोग पढ़े थे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, और अभी पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण के नियम। यानी टॉपिक 2 में हम लोगों को टोटल 2 पॉइंट पढ़ने थे। फर्स्ट था भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो कि हम लोगों के पहले क्लास में हो चुका है। तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो का साथ में CDP का जो कम्प्लीट कोर्स कराया गया है उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, जो आपका अभी चल रहा है हिंदी शिक्षण शास्त्र, ये टॉपिक आपका ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ SCERT बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो अभी टीचर्स एकेडमी ग्रुप के द्वारा यानी हमारे द्वारा जो नोट्स उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी व्याख्या कराई जा रही है, वो सभी इससे रिलेटेड है। समझिए तो 2-3 बुक का निचोड़ निकाल करके आप लोगों के सामने लाया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे, पहले तो समझेंगे भाषा होती क्या है, उसके बाद शिक्षण, शिक्षण का मतलब क्या है। जैसे भाषा और शिक्षण समझेंगे, फिर इसका नियम स्वतः हम लोग समझ जाएंगे, और बच्चे को समझाने में भी आसानी होगी। और CTET के एग्जाम में कम से कम जैसे 5 नियम पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन से हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, केवल हिंदी में 1 मार्क्स आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। टोटली 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक जो है आपको किसी भी वीडियो का फायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा। तो सबसे पहले बता दें, इंग्लिश वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए, भाषा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। और एक डिफिनेशन हमें आप लोगों को बताए हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा जो है संप्रेषण का एक माध्यम है। अब संप्रेषण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक और नई शब्द निकल के आ गया, तो देखिए संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप करना। अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं, यानी हमारे भावनाओं को आप समझ रहे हैं, आपके भावनाओं को हम समझ रहे हैं, भावनाओं का आदान प्रदान होना संप्रेषण कहलाता है। तो भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और साथ ही भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा समझ गए। अब होता है शिक्षण, शिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग। तो देखिए भाषा शिक्षण के नियम, यानी शिक्षकों के लिए यह जानकारी होना आवश्यक है कि बच्चे किस प्रकार से भाषा सीखेंगे, किस नियम को फॉलो करके बच्चे को भाषा जो है अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। तो इसके संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों का तर्क है, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे आप लोगों को अभी हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले है मूर्त से अमूर्त की ओर, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त कहने का मतलब कि किसी भी चीज को बच्चे को समझाने के लिए पहले बच्चे को उस चीज के बारे में दिखाना होता है, दिखाने के बाद हम अमूर्त अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले उसको पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वे अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को समझ सके। मनोवैज्ञानिक का कहने का मतलब है कि बच्चे का मानसिक विकास इतना बेहतर तरीके से नहीं हो चुका होता है कि वो किसी चीज की संकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट, हिंदी में उसे अवधारणा भी बोला जाता है। तो बच्चे इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं होते हैं कि वो किसी चीज़ को देखे बिना उसकी कंसेप्ट को समझ जाए, उसकी अवधारणा को समझ जाए। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सबसे पहले बच्चे को मूर्त वस्तु दिखाया जाए, उसके बाद अमूर्त चिंतन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, यानी तर्क वितर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ पे लिखा गया है अर्थात जब विद्यार्थियों के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वे उसके विषय में सूक्ष्म या मूर्त रूप में विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। यही बात है, यानी जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले कुछ उदाहरण पेश करेंगे जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होगा, उसके बाद उनको हम उस चीज पे सोचने के लिए प्रयास करवाएंगे। अब होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। जब भी आप शिक्षण कार्य करेंगे, बच्चे को जब भी आप किसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना जरूरी है कि बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से पहले का बात हमारे बालक कितने समझ चुके हैं, यानी पहले बच्चे को जो बच्चे जान रहे हैं उस विषय वस्तु से जोड़ करके नई विषय वस्तु की ओर ले जाएंगे। इसमें क्या है कि इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को
जो ज्ञान प्राप्त है यानी बच्चे जो चीज पहले से सीख गए हैं वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर ज्ञान से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे आप लोग अगर वर्णमाला सीखते हैं तो वर्णमाला से जोड़ करके शब्द सीखते हैं, शब्द को व्यवस्थित क्रम में बैठा करके वाक्य बनाना सीखते हैं और वाक्य को व्यवस्थित रूप में भाव के अनुसार प्रयुक्त करके क्या बनाते हैं, एक कविता कहानी बना देते हैं। यानी पहले जो चीज़ आप जान रहे हैं उससे इंटर रिलेटेड करके हम लोग नई चीज़ को सीखते हैं, जो चीज़ सीखे हुए हैं उसी के आधार पर। एज एक एग्जाम्पल, जैसे 2 जोड़ 2 = 4, फिर होता है 2 × 2 = 4। यानी यहाँ पे हमें जोड़ की अवधारणा का पता चला, तो पता चला कि 2 को अगर 2 बार लिख करके जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गुना के संकल्पना में देखेंगे तो यानी 2 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 हो जाती है। यानी पहले हम जोड़ की अवधारणा जानते हैं, यानी जोड़ समझिए तो जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है गुना, कहने का मतलब। एज एक एग्जाम्पल और देते हैं, 2 × 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मान लीजिए कि 2 जो है 5 बार हम 2 लिख दिए, तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि 2 × 2 = 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे, टोटली हमारा आंसर लास्ट में 10 आ जाएगा। लेकिन बच्चे को अगर पता है कि जोड़ हमें इस प्रकार से करना है तो उसको गुना से समझाने के लिए क्या करेंगे कि 2 कितना है काउंट कीजिए, तो 5 है, तो × 5 कीजिए, यानी 2 × 5 = 10। यानी पहले उसको जो ज्ञान पता है उस ज्ञान पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जो बच्चे नहीं जानते हैं यानी नोन टू अननोन पे चलेंगे। अब है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसमें दिया क्या गया है, अनसर्टेन टू सर्टेन, विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभव से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती है। यानी बच्चे के मन में बहुत सारे धारणाएं निकलती है, वो आप बच्चे जो है जिज्ञासु स्वभाव का होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहता है कि इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो उनका जो अनिश्चित धारणा है उस पर विचार विमर्श करने के बाद उनको हम एक निश्चित धारणा पे ले जाएंगे, उसके पश्चात जो है उसका जो ज्ञान होगा वो अनिश्चित से निश्चित के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग तोड़ करके समझाना होता है। यानी किसी विषय वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम लोग हल करते हैं, तो समीकरण को पहले अलग अलग तोड़ के समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 पहले तो इक्वेशन बना लिए, उसके बाद सभी को एक जगह एकत्रित करते हैं। यही बात है इसमें कहा गया है कि सभी तथ्यों को विश्लेषित यानी अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करेंगे, इसके बाद विद्यार्थियों को स्पष्ट समान विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ जो है मिला देंगे। ठीक है, यानी अलग अलग करने के बाद एक साथ उनको मिला देना है। अब है आगमन से निगमन की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, आगमन विधि में होता है उदाहरण पहले होता है उदाहरण, बाद में होता है नियम, और निगमन में इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, यानी पहले नियम तब उदाहरण। आगमन विधि में होता क्या है कि किसी चीज के कंसेप्ट बच्चे को समझाना है तो उस चीज के बारे में बच्चों को पहले बहुत सारा एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देने के बाद बच्चे को उस चीज की अवधारणा को समझाइए, उसके बाद उसका नियम बना दीजिए, यही होता है आगमन विधि में। ठीक है, और आगमन विधि जो है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बच्चे जो है इस विधि में रुचि से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि सिखाने से पहले बच्चों को बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाता है। और इसका दोष क्या है आगमन विधि का, आगमन विधि का दोष यह है कि इसमें समय जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, यह एक खर्चीला समय वाला विधि है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है कि इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिसमें बच्चे रुचि हो। देखिए मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या कहा गया है कि बच्चे को पहले उसी विषय को पढ़ाया जाना चाहिए जिस विषय में बच्चे की रुचि इच्छा हो। ठीक है, तो पहले बच्चे को जिस चीज में रुचि है उस चीज को पहले पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद क्या करेंगे कि बच्चे को इस लायक बनाएंगे पढ़ाते पढ़ाते कि बच्चा जो है खुद से उस चीज के बारे में लॉजिक लगाना प्रारंभ कर दे, तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर दे। ठीक है, तो यही विधि जो है हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर होता है। दोस्तों जो नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना स्टूडेंट देखते हैं अगर वीडियो लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन जो है और ज़्यादा दोगुना होगा और एवरी डे कम से कम 2-2 क्लास आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब है विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट होगा सरल से जटिल की ओर। तो स्पेसिफिक टू जनरल में क्या होता है
कि इस नियम में बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर लाना ले जाना चाहिए, अर्थात पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए तत्पश्चात सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। कहने का मतलब कि पहले जो समस्या है उस समस्या समाधान करने के लिए जो हमें एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है, क्रियाकलाप से गुजरना पड़ता है, उस क्रियाकलाप से गुजरेंगे उसके बाद ही ना हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे यानी आंसर पे पहुंचेंगे। यही है यहाँ पे लिखा हुआ समान से निसमान। अब है सरल से जटिल। ठीक, सरल से जटिल में होता क्या है, एक सेकेंड इसको रखते हैं यहाँ पे। सरल से जटिल की ओर, इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरा, गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद उसे विषय के कठिन भागों से अवगत कराया जाना चाहिए। यानी बच्चे को सबसे पहले सरल चीज यानी छोटी छोटी चीजों को के बारे में जोड़ करके शिक्षा देना चाहिए, उसके बाद उनको उससे जटिल की ओर, जैसे पहले वर्ण सीखेगा, वर्ण के बाद वर्ण में मात्रा लगाना सीखेगा, मात्रा लगाने के बाद शब्द बनाना सीखेगा, शब्द बनाने के बाद वाक्य बनाना सीखेगा, वाक्य बनाने के बाद कविता कहानी का रचना करना सीखेगा। यही होता है सरल से जटिल की ओर, यानी पहले शब्द, शब्द के बाद वाक, वाक के बाद मुहावरा, मुहावरा के बाद गीत आदि करना चाहिए, इसके पश्चात विषय कठिन भागों से अवगत कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो स्टूडेंट इस सेशन को फिर से नहीं, मतलब फिर से बोलते हैं शुरू से नहीं देखे हैं, वो जो शुरू से जा करके देख लेंगे। अभी हम आप लोगों को इस सेशन के बारे में टोटली पीडीएफ जो है दिखा देंगे, और इस पीडीएफ का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो है सेशन कैसा लगा। ठीक, यही था भाषा शिक्षण के सिद्धांत, आज जो हम लोगों का टॉपिक था इसी के बारे में चर्चा किए थे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है।